और मैं सचिन गुप्ता फिर से जुड़ चुका हूँ आपके साथ, मैं जुड़ चुका हूँ बिफोर प्रिंट पे। मैं आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त मैं बता दूँ कि सुबह आपने देखा कि उस वक्त जो है मैंने कहा राजद यानी विधायक दल का जो है वो बैठक हुई थी, जिसमें बैठक के बाद अब जो शुरू हो चुका है, अब मैं बता दूं महागठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें कि कांग्रेस से मैंने बताया अखिलेश जी आ चुके हैं और बाकी जितने भी CPIM लेफ्ट के जितने नेता जुट यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं और उनके बीच अभी जो महागठबंधन की बैठक चल रही है। और बाहर में बता दूँ समर्थकों की भीड़ यहाँ पर बैठक के बाद, देखिए मैं बताऊँ कुछ निर्णय लेगा। अभी आपने देखा कि हमारी बात हुई थी अखिलेश जी से, हमने उनसे बातें भी की और पूछा भी कि जिस तरह के आक्रोश है थोड़ा राजद कार्यकर्ताओं में कि अगर कांग्रेस अगर अच्छी सीटें ला पाती तो शायद आज सरकार जो तेजस्वी यादव की बनती। तो उनका जवाब था कि ये समीक्षा की बात है, हम समीक्षा करने आए हैं, हम अभी अंदर जा रहे हैं, अभी समीक्षा करेंगे कहाँ पर चूक हुई थी, कहाँ गलतियाँ हुई जिसके कारण इतनी कम सीट आ रही। उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, बाहर समर्थक कुछ अलग अलग तरह से भविष्यवाणी की जा रही है। और अभी तक मैं बता दूँ नीतीश कुमार जिन्होंने अभी तक खुल के जो सामने वो नहीं आया, अभी तक शाम में 4 बजे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, बड़ा बयान जिसमें कि बता सके कि वो क्या करने वाले, सरकार कब बनेगी, या ऐसे तो आधिकारिक रूप पे तो ये अनाउंसमेंट हो चुका है कि 16 को वो शपथ लेंगे। तो चलिए, हम बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर अरावड़ी आवास सर्कुलर आवास के सामने सर्कुलर रोड में बहुत सारे इकट्ठे हैं लोग, समर्थक हैं, तो बात करते देखते हैं लोगों से बात करते कौन। सर बताइए, सर आप कहाँ से बताइए? जी हम तो औरंगाबाद से हैं। सर बताइए, आप लोग इकट्ठे हैं आज यहाँ पे, अभी आपने देखा राजद की बैठक हुई है, उसके बाद महागठबंधन की बैठक चली, तो क्या ये जैसे कि अभी तो विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव को चुनने के लिए बैठक हुई थी, चुने भी गए सर, चुने भी गए, अब क्या चल रहा है? अभी जो अंदर महागठबंधन बैठक हुई, बैठक का क्या मुख्य कारण क्या, किस तरह की बैठक में जो चुनाव परिणाम आया उस पर समीक्षा हो रही है, किस रूप में कहाँ से किस तरह से हम लोग को हराया गया, जो कम मार्जिन से हुआ, बहुत कम से कम 119 सीट पर हम लोग बढ़त में थे, चुनाव आयोग से निर्देश भी आया लेकिन उसको रोक कर 7-8 को सीट सर्टिफिकेट इधर उधर हुआ, रिकाउंटिंग हुआ। तो ये बताइए, जिस तरह से कहा जा रहा है कि बहुत सारे RJD कार्यकर्ता आक्रोशित भी हैं कि कांग्रेस के पास जो जिस तरह के 70 सीटें कांग्रेस थी उसके हिसाब से उनका परफॉर्मेंस नहीं था, अगर कांग्रेस के कहा जा रहा है कि सीटें कुछ और बढ़ती इधर कांग्रेस से घटा के, तो शायद आज जो है वो माहौल जो आज बना हुआ है। देखिए, कांग्रेस का सीट मिला, ठीक मिला, लेकिन उसका उम्मीदवार का चयन सही ढंग से नहीं कर सका। अच्छा, उम्मीदवार का चयन नहीं? हाँ, उम्मीदवार सीटें सही मिली थी कि जगह दूसरे जगह का उम्मीदवार को दूसरे जगह दे दिया सीट जी, इसके कारण इसकी नतीजे वाली कौन लेगा, कांग्रेस कौन लेगा, कांग्रेस को लेना चाहिए, है ना। जब उस सीट लिया तो उसको उम्मीदवार सही ढंग से सही उम्मीदवार को देना चाहिए, स्थानीय उम्मीदवार को देना चाहिए। चलिए, एक बात, आप समर्थक हैं, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ फेसबुक के माध्यम से जो आपके समर्थक लोग बहुत जगह बहुत सारी बातें लिख रहे हैं कि हो सकता है कि अभी मुकेश सहनी से बात चल रही है, ऐसी बातें हो रही है, वैसी, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, राजनीतिक में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब हाँ। मुकेश सहनी का क्या विचार है, जीतन हाँ। राम मांझी जी का क्या विचार है, अगर उन लोग का विचार होगा कि सत्य और न्याय के साथ दें और बिहार की जनता की भलाई के लिए सोचें, गरीबों की, दलितों को, पिछड़ों को, सामाजिक न्याय की, तो उन लोग साथ दे सकते हैं। एक तरह का और भी स्टेटमेंट आ रहे हैं कि भले ही तेजस्वी जी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाया या उनकी सरकार नहीं बनी, लेकिन कहा जा रहा है कि युवाओं के दिल को जीता है तेजस्वी यादव ने, इसमें कितनी आप कितनी से बिल्कुल सही सहमत है? बिल्कुल सही है ना, युवाओं का दिल का, बिहार का जनता का दिल के जीत चुके हैं, है ना, लेकिन कानूनी दाव पेंच के चलते, साजिश के चलते इनको कुछ सीटों को हराया गया, सर्वविदित है, आप भी जान रहे हैं जी, आज तक जितना भी काउंटिंग हुआ इस तरह का काउंटिंग आप भी नहीं देखे होंगे। 10 बजे से लेकर कम से कम 6 बजे रात तक मात्र एक ही कारण बता कि कोरोना के कारण ऐसा हो रहा है। जी नहीं, कोरोना के कारण, जब कोरोना के कारण ऐसा होगा तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए था कोरोना पीरियड में। कोरोना तो एक बहाना है और कोरोना की ओट में, कोरोना की आड़ में लोकतंत्र किस पे इल्जाम लगा रहे हैं आप? इस तरह की बातें जो हुई हैं, जो आपके साथ धांधली की जा रही है, इल्जाम किस पे जा रहा है? जो वर्तमान सरकार है, भारत सरकार, बिहार सरकार पर, बिहार सरकार पे हो रहा है जी, भारत सरकार पर इस प्रकार है, मिली जुली हुआ है, दोनों डबल इंजन की सरकार है, इसमें दोनों दोषी हैं। तो ये बताइए कि आज बैठक खत्म होने वाली है, लगभग खत्म हो जाएगी, महागठबंधन की बैठक खत्म होने वाली है जी, तो शायद अनाउंसमेंट भी हो, 16 को नीतीश जी की जो है, नीतीश जी शपथ भी लेने वाले हैं जी, तो क्या उसके बीच कुछ लग रहा है, कुछ ऐसा कुछ? देखिए, कुछ हम तो मैंने एक बात कह दिया पहले, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी अगर गरीबों का हितैषी हैं तो अपना निर्णय ले सकते हैं और उन लोग जो निर्णय लेंगे हम लोग मानेंगे। देखा आपने, हमारे साथ समर्थक है जिनका कहना था कि इनके अंदर आक्रोश है इस बात का कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है,
आक्रोशित है, लेकिन दांव पे जो कहा कानूनी दांव पे इनका इल्ज़ाम है, सीधा भारत सरकार पे इल्ज़ाम लगा इन्होंने और बिहार सरकार पे कि चुनाव के बाद ठीक 8-10 सीटों पे हेरा फेरी की गई है, जिसके कारण तेजस्वी जी आज जो है पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाए। लेकिन इनके अंदर अभी भी उम्मीदें हैं, राजद कार्यकर्ताओं के अंदर अभी भी उम्मीद है कि कहीं मुकेश सहनी, कहीं मैं बता दूं कि हम के जो अध्यक्ष हैं मांझी जी, कहीं कभी भी वो ये सत्ता है, ये राजनीति है, सामाजिक न्याय के लिए वो आ सकते हैं। तो चलिए और भी खबरों पर हम नज़र डालेंगे। मैसेज गुप्ता बिफोर प्रिंट के लिए, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।